हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे नमकीन चवे बिल्कुल साउथ इंडियन स्टाइल से। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप इनको सुबह के नाश्ते में बना सकते हैं। इनको बनाने के लिए हमको चाहिए एक कटोरी जवे, आधी चम्मच उड़द दाल, आधी चम्मच चना दाल, आधी चम्मच राई, नमक, एक कटी हुई गाजर, एक कटा हुआ आलू, एक कटी हुई शिमला मिर्च, एक कटी हुई प्याज, दो कटी हुई हरी मिर्च, रिफाइंड ऑयल। अब हम गैस पर कढ़ाई रखेंगे, उसमें जवे डालें, मीडियम गैस पर लगातार चलाते हुए भूने। हमको जवे हल्के भूनने हैं क्योंकि हमको उनका कलर चेंज नहीं करना। हमारे जवे भुन चुके हैं। कढ़ाई में दो ग्लास पानी डालें। दो चम्मच रिफाइंड ऑयल, स्वाद के अनुसार नमक डालें और एक साथ चला दें। हमारे जवे उबलने लगे हैं। हम एक बार चेक कर लेंगे कि हमारे जवे गले हैं या नहीं। हमारे जवे अच्छे से गल चुके हैं, उनको हम एक छलनी में निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। हम गैस पर कढ़ाई रखेंगे, इसमें रिफाइंड ऑयल डालें, राई को चटकने दें, चना दाल, उड़द दाल, प्याज को भुने, हरी मिर्च, गाजर, आलू, सबको एक साथ चला लें। गैस को मीडियम कर लें। स्वाद के अनुसार नमक डालें। सबको एक साथ मिला लें। सब्जियों को बीच बीच में चलाते रहें। शिमला मिर्च डालें। सबको एक साथ फिर से मिला दें। अब हम चेक करेंगे कि आलू और गाजर गल चुके हैं या नहीं। हमारी सब्जियां गल चुकी हैं। उबले हुए जवे डालें। सबको हल्के हाथों से मिलाएं। दो मिनट के लिए जवे को पकने दें। हमारे नमकीन जवे बनकर तैयार हो चुके हैं। चलिए उसको हम एक बर्तन में सर्व करते हैं। हमारे जवे खाने के लिए तैयार हैं। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी रेसिपी को फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।